देहरादून से पिथौरागढ़ जा रही रोडवेज बस ने एक बार फिर यात्रियों को धोखा दे दिया है। जी हां, बुधवार को 30 यात्रियों को लेकर देहरादून से चली पिथौरागढ़ जा रही पिथौरागढ़ डिपो की रोडवेज बस लोहाघाट के मानेश्वर के पास हॉज पाइप फटने से सड़क में खड़ी हो गई, जिस कारण बस में बैठी 30 सवारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सवारियों में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल थे। बस के चालक प्रमोद तिवारी व परिचालक विनोद सिंह ने बताया, अचानक बस का हॉज पाइप फट गया है, जिस कारण बस को NH किनारे खड़ा करना पड़ा। उन्होंने बताया, यात्रियों को दूसरी बस के जरिए गंतव्य की ओर रवाना किया गया। वहीं बस के इस तरह रास्ते में खराब होने से यात्रियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। यात्रियों ने कहा, हम सरकार द्वारा तय किया गया भाड़ा देकर रोडवेज की बसों में सफर करते हैं, लेकिन परिवहन निगम की खटारा बस इस तरह से रास्ते में अचानक खराब हो जा रही है, जो कि काफी गंभीर मामला है और यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने सरकार व परिवहन निगम से नई बस देने की मांग की है। आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय कमल फर्नीचर हाउस। अब आपके अपने शहर चंपावत में खुल गया है कमल फर्नीचर हाउस, जहां पर सभी प्रकार के फर्नीचर जैसे सोफा, बेड, ड्रेसिंग, अलमारी, गद्दा उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो जल्दी जाइए कमल फर्नीचर हाउस। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।